नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। एक इंटरेस्टिंग भी और एक इस्लाम का देखिए जो भिखारी और कंगाल पाकिस्तान भारत को लेकर पछाड़ घसीटने से कभी भी बाज नहीं आता है। आए दिन कश्मीर को लेने के लिए ख्वाब देखते रहता है, लेकिन इमरान जमहूरी को लेकर भारत ने भी ये खुलकर बोल दिया है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को खाली कर दे, जिससे इमरान जमहूरी की रातों की नींद उड़ गई है और वो अपने टोपी छापों को भारत में भेजने के लिए दिन रात पछाड़ घसीट रहा है। उन्हीं टोपी छापों में से एक है ये रियाज नायडू, जो ये टोपी छाप भारत में हुड़दंग करने के लिए आया था, जिससे भारतीय सैनिकों ने इस रियाज नायडू को पकड़ने में कामयाब हो गई। और ये रियाज नायडू से हमारे भारतीय सैनिक कैसे इसे जन्नत देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी रियाज नायडू को पकड़े जाने पर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि रियाज नायडू कौन से सुरंग से भारत में प्रवेश कर लेता था, जिससे भारतीय सैनिकों के इसके प्रवेश के बारे में पता भी नहीं चलता था और ये रियाज नायडू अपने मिशन को अंजाम भी दे देता था। आपको बता दें कि ये रियाज नायडू A++ कैटेगरी का आतंकी था और भारतीय सेना को इसे लंबे समय से तलाश थी और उसके ऊपर सेना ने 12 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये टोपी छाप अपने घर तक आने जाने के लिए सुरंग भी बनाया हुआ था और इस बात की सूचना बहुत ही कम लोगों को थी, क्योंकि वह टोपी छाप किसी पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन भारतीय सेना जैसे ही घर को उड़ाई, वैसे ही सुरंग का पता चल गया और उसी में उसकी जान बचाने के लिए ये रियाज नायडू उसी में छिपा हुआ था, जिससे भारतीय सेना ने उसी में ही उसका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भिखारी पाकिस्तान अभी भी सुधर नहीं रहा है, लेकिन भारत ने भी ये ठान लिया है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना के शहादत का बदला चुकाना ही होगा। लेकिन भारत में ऐसे ऐसे लिबरांडू हैं जो रियाज नायडू के मारे जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। उन्हीं में से एक कांग्रेस के 55 वर्षीय युवा नेता, इनका काम है कि सही को गलत साबित करना, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं समझती है कि नाबालिग राहुल गांधी अभी नादान है। जिस वक्त भारतीय सेना के स्वर को लोग सराहना कर रहे थे कि भारतीय सेना इन आतंकियों को मारने में सफल हुई, जिसको काफी समय से भारत को तलाश थी, तो वहीं नाबालिग राहुल गांधी को डीजल और पेट्रोल की चिंता हो रही थी। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाई और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बना हुआ है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 से 13 प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय उचित नहीं है, इसे वापस लेना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में नाकाम रहे। जिस वक्त हमारे 5 जवान शहीद हुए, उस वक्त राहुल गांधी को रेल टिकट को लेकर चिंता हो रही थी। 55 वर्षीय युवा नेता राहुल गांधी ने न शहीदों को लेकर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दिए और न ही सैनिकों के शौर्य की सराहना की। ये ट्वीट तभी करते हैं और अपनी बातों को तभी रखते हैं जब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें होती है, उस वक्त सभी लिबरांडू अपने अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, उससे कई ऐसे लोग भारत में हैं जिनको रियाज नायडू के मार जाने पर रोना आता है, लेकिन वो खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की इमरान जमहूरी की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान अब पाकिस्तान के हाथों से जाने वाला है, जो जबरन तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान के जनता ही अब इमरान जमहूरी को कोसने में लगी हुई है। वहीं असन नाम के ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि इस समय वजीर आजम को पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए, न कि भारत की, अब भारत नहीं छोड़ेगा। और वहीं सैफी नाम के ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि हमारे नियाजी को भारत से दुश्मन निमोलना महंगा पड़ गया, अब वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए, अब भारत से दुश्मनी मोलना महंगा पड़ेगा। तो देखा आपने, पाकिस्तान की जनता भी भारत से दुश्मनी मोलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, लेकिन इमरान जमहूरी अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ रहा है, जिससे भारत ने भी ये ठान लिया है कि भारत के 5 जवानों के शहादत का बदला खाली नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह आतंकी रियाजी काफी दिनों से आतंक मचाए हुए थे, जिससे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर आतंकी रियाज नायडू का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी में भी पाकिस्तान अपनी नापाक इरादे से कभी भी पीछे नहीं हट रहा है। कोरोना से पाकिस्तान कराह रहा है, लेकिन कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान दिन रात सपने देख रहा है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। शायद पाकिस्तान की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की सेना भूल गई है, इसीलिए पाकिस्तान अभी भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन वहीं सेना प्रमुख मनोज मुकुंद रनौले ने भी ये साफ कह दिया है कि पीओके अब लेकर ही छोड़ेगी सेना, जिससे पाकिस्तानी टोपी छापों में खलबली मची हुई है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।